बलौदाबाजार जिले में पलारी थाना के अंदर देर रात भाजपा जनप्रतिनिधियों की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर रात में ही पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी समेत दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के बाद भाजपाइयों ने पलारी थाने के सामने दारू पार्टी शुरू कर दी। पार्टी के दौरान गाड़ी में तेज साउंड में गाना बजाने और पलारी नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन वर्मा के साथियों के साथ शराब पीकर नाचने को लेकर पुलिस से विवाद हुआ। कुछ ही देर बाद यह विवाद भाजपा जनप्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों के बीच झूमा झटकी तक पहुंच गया, जिसके बाद इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने तत्काल कार्यवाही करते हुए थानेदार केशर पराग बंजारा के साथ आरक्षक राम मोहन राय और मनीष बंजारे को सस्पेंड कर दिया। थाने के सामने कुछ लोग गाड़ी में बहुत तेजी में आवाज में गाना बजा रहे थे और शिकायत मिली कि दारू पार्टी हो रही है, तो यहाँ से स्टाफ रवाना हुआ था। फिर वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद विवाद बढ़ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कई उनके कार्यकर्ता जो यशवर्धन मोनू हैं वो भी यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया थाने में। तो उसके बाद फिर वो लोग अपना एक आवेदन दिया, उन लोगों ने आवेदन देने के बाद वो लोग अपना मुलाजा करा के वापस चले गए। अभी उसकी जाँच चल रही है, उन लोग को एहतियातन अभी सस्पेंड किया गया है, उनकी जाँच की जा रही है। जाँच में राजेश श्रीवास्तव DSP है, उनको प्रभारी बनाया गया है और जाँच के बाद रिजल्ट निकल के आएगा। यशवर्धन वर्मा उर्फ मोनू वर्मा हमारे नगर पंचायत के पलारी के अध्यक्ष हैं और उनके दादा अध्यक्ष रहे, उनके दादी अध्यक्ष रही, बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति है, शराब कभी पीता नहीं। पुलिस वाले जबरदस्ती जाके उनसे उलझे और मारपीट किए। जिस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ तो तत्काल जाके जानकारी लिया और बिना कारण पुलिस वाले मारपीट किए, पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किया और निलंबित किया पुलिस प्रशासन ने।